हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ आहिल के लिए पोटैटो एंड ब्रोकली के कटलेट्स, जो कि बहुत हेल्दी हैं, बहुत यम्मी बनते हैं, बहुत मज़े के होते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ब्रोकली अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएँ और ये बहुत हेल्दी चीज़ है, बहुत सारे विटामिंस और न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। पोटैटो और ब्रोकली के कटलेट्स बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही ईजी बन जाते हैं और बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं और आप भी खा सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि आज जो भी खाता है वो मैं भी खाती हूँ। तो जी शुरू करते हैं और क्विक क्विक आपको मैं रेसिपी दिखाती हूँ इसकी, तो चलिए मेरे साथ। जी मैंने दो पोटैटो लिए हैं और एक स्मॉल या मीडियम साइज की ब्रोकली ले लें और दोनों को मैंने बॉईल कर लिया अच्छे से अलग अलग और बॉईल करके उनको मैश कर लिया है और अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। जी इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर टेस्ट, जितना आप इसमें डालना चाहें, और ओरिगैनो लेंगे थोड़ा सा, एक चुटकी मैंने ओरिगैनो इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी जनाब तो इसको अच्छे से हमने मिक्स करके इसकी हमने बना लेनी है राउंड राउंड टिकियां कबाब की तरह से, और एक एग लेंगे और उसको बीट करके उसमें लगा के बिल्कुल जिस तरह से हम कबाब फ्राई करते हैं इसी तरीके से इनको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। उसको केचप के साथ, मेयोनीज के साथ, हम जैसे मर्जी आप खाना चाहें और अपने बेबी को खिलाना चाहें। जी तो आपने देखा कितनी मज़े की और इजी रेसिपी है और फटाफट बन जाती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। जी अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी एक स्किन केयर रूटीन। एक स्क्रब बनाएंगे, कॉफ़ी लेंगे, ब्राउन शुगर लेंगे और बस इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और अप्लाई करेंगे स्किन पर, और मैं इसको अक्सर ट्राई करती रहती हूँ, आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। और बहुत अच्छी स्क्रबिंग हो जाती है, इससे स्किन काफ़ी फ्रेश लगती है और थोड़ा ग्लो भी आ जाता है। तो आइए मेरे साथ। वैसे ये स्क्रबिंग जो है ये मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर चुकी थी, तो उसको करने के बाद ही ये वीडियो मैंने बनानी शुरू की है। अच्छी स्क्रबिंग हो जाती है, अच्छा ग्लो आ जाता है फेस पे और बिल्कुल सस्ता सा टोटका है, आपको इसके लिए कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। कॉफ़ी शुगर सब घरों में होती है, तो आप बस लें, उसको बनाएं और उसको स्किन पर अप्लाई करें और बस अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहा करें। आपको जो मिले आप उसको फेस पर लगा लें, जो भी आपको सूट करता हो, टमाटर लगा लें, पोटैटो लगा लें, उससे भी स्किन काफ़ी फ्रेश हो जाती है और पोटैटो से भी जो स्किन पर थोड़े दाग धब्बे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, स्किन जो है वो क्लीन हो जाती है। तो आज हमारी गर्लफ्रेंड है, मेरे हस्बैंड आज इसको वॉश कर रहे हैं और आहिल खूब पानी में इंजॉय कर रहे हैं, और आप भी देखें और आप भी इंजॉय करें क्योंकि समर्स हैं और हमें बैल्कनी पर बैठना होता है, जिसके लिए हम उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। प्यारे भी जो कि खेलता है वो बैठते हैं, शर्मी जैसे वहाँ बैठ के होते हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ वीडियो को इंजॉय करें। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन प्लीज, इससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आहिल साहब नहा नहा के पानी में बहुत थक चुके हैं और आहिल को मैंने फ्रेश कर दिया है, अभी आहिल के सोने का टाइम हो गया है और पानी में आहिल ने खूब नहाया, खूब इंजॉय किया
और अब हम जा रहे हैं सोनिया हिल। इट्स शिपी टाइम, इट्स शिपी टाइम, आहिल का शिपी टाइम है। ओके गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।